हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉइट्रेस क्राफ्टी कैसल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कुछ दिन पहले ना मैं ऐसे ही विंडो शॉपिंग कर रही थी नेट में, तो मैंने देखा बहुत सारे प्यारे प्यारे वाज थे वहाँ पे, लेकिन प्राइस देख के तो मैं हैरान हो गई, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था। तो मैंने सोचा इनमें से कुछ तो मैं रिक्रिएट कर ही लूँगी घर में। तो आज की वीडियो में इनमें से 3 डिज़ाइन को मैं रिक्रिएट करने की कोशिश करूँगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट करके ऑल ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, तब जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी फटाफट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज के फर्स्ट DIY को बनाने के लिए मैं इस टाइप का एक बॉटल को ले रही हूँ। यहाँ पे बॉटल अगर थोड़ा सा फ्लैट होगा ना तो ये DIY अच्छा बनेगा। तो इसको मैंने पहले 2 पीस में कट कर लिया है, और जो ये नीचे वाला पोर्शन था उसको भी मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है। इसके लिए मैंने एक नाइफ को थोड़ा सा गर्म कर लिया था, और अभी इस बॉटल के बेस को कवर करने के लिए यहाँ पे मैं एक कार्डबोर्ड पीस को लगाऊंगी, और मास्किंग टेप से मैं इस टाइप से इसको सिक्योर कर दे रही हूँ। और यहाँ पे मैंने दोनों बॉटल में सेम तरीके से कार्डबोर्ड को लगा लिया है। अभी यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा मोल्डेड क्ले, और इस क्ले को अभी थोड़ा सा रोल कर लूंगी मैं, और उसके बाद बॉटल के ऊपर इस क्ले से कवर करेंगे। यहाँ पे मैंने क्ले का बहुत ही पतला सा लेयर लगाया है, क्योंकि इस DIY को मुझे 20 रुपीज के अंडर बनाना था, और शुरू में जो आप 2 पैकेट देख रहे थे क्ले का, वो पूरा पैकेट यहाँ पे यूज हुआ नहीं है। वैसे तो बॉटल आपने कितना बड़ा यूज़ किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका कितना क्ले यहाँ पे खर्च होने वाला है। और यहाँ पे ये जो मैं बना रही हूँ ये क्या साइज में बन के निकला है, इसका साइज में मेजर करके बाद में आपको बता दूंगी। तो इस टाइप से मैंने एक पतला सा लेयर यहाँ पे लगा लिया है। पहले यहाँ पे फ्रंट साइड में मैंने क्ले लगाया है, बैक साइड में मैं बाद में लगाऊंगी। और अभी यहाँ पे मैंने एक स्टील वूल से इसके ऊपर कुछ टेक्सचर बना दे रही हूँ, क्योंकि जो प्लांटर मैंने देखा था उसके ऊपर भी इस टाइप का टेक्सचर बना हुआ था। इस सेम प्रोसेस को फॉलो करना है दूसरे वाज के साथ भी। अभी क्ले अच्छे से सूखने से पहले यहाँ पे इस टाइप से मैं 2 कट लगा के रख दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्ले बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लगाया है, तो इसीलिए नीचे थोड़ा सा बॉटल भी दिख रहा है, बाद में इसका कुछ करेंगे। और एक साइड का क्ले सूखने के बाद मैंने बैक साइड में भी क्ले को लगा लिया है। फिर से मैंने एक पतला सा लेयर यहाँ पे लगाया है, और बैक साइड में मैं कोई टेक्सचर ऐड नहीं कर रही हूँ, इसको मैंने सिंपल ही रखा है। और जितना भी अनइवन सर्फेसेस है इसको मैं पानी से स्मूथ भी कर लूँगी। और अभी क्ले से ही बाकी के फीचर्स भी इसका बना लेना है। जब से मैंने इस टाइप से DIY बनाना स्टार्ट किया है ना, तो धीरे धीरे बनाते बनाते थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है खुद के ऊपर, और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ऐसे में क्या होता है ना, कभी भी जब आप शॉपिंग के लिए जाएँ और आपको कुछ प्यारा सा डेकोर पीस मिल जाए और उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो, तो फिर मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, मैं तो घर में बना ही लूँगी, इसको क्यों खरीदना, है ना। तो ये क्या आप लोगों के साथ भी होता है मुझे बताना ज़रूर। अच्छा, अभी मैंने आँखों के पोर्शन में जो ग्रुप बना के रखा था ना, वो बहुत ही पतला हो गया था, क्योंकि वहाँ पे क्ले का लेयर बहुत ही पतला था, तो इसलिए मैंने और थोड़ा सा क्ले लगा लिया है यहाँ पे। सेम प्रोसेस से मैं अभी दूसरे फास को भी रेडी कर लूँगी, और यहाँ पे मैं पेंट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो क्ले का कलर है यही बहुत अच्छा दिख रहा है। और जो डिज़ाइन मैंने देखा था ना ऑनलाइन, उसमें भी इसी टाइप का कलर में वो दोनों वाज था, तो मैंने इसलिए इसको पेंट नहीं किया है। और अभी ये रहा इसका फाइनल लुक, और इसका साइज भी मैं स्क्रीन में मेंशन कर दे रही हूँ। और ये आइडिया अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। अभी चलते हैं आज के नेक्स्ट DIY की तरफ। इसके लिए मैंने कुछ कार्डबोर्ड पीसेस को कट किया है यहाँ पे, और क्या साइज में मैंने कार्डबोर्ड पीसेस को लिया है ये मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, कार्डबोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है इसका साइज। और यहाँ पे 2 ऐसा कार्डबोर्ड पीसेस को मैं ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद मैंने और थोड़ा सा कार्डबोर्ड पीसेस को कट किया है। अभी इन सभी को जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है वैसे एक दूसरे के साथ चिपका लेंगे। यहाँ पे मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है। इस DIY को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप इजीली इसको रिक्रिएट कर सकते हैं। कार्डबोर्ड को चिपका लेने के बाद इसके जो एजेस है इसको मैं कवर करूँगी मास्किंग टेप की मदद से। ऐसा करने से इसका फिनिशिंग तो अच्छा होता ही है, साथ में ये बेस बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है। अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ वॉल पुट्टी पेस्ट। इसको बनाने के लिए मैंने वॉल पुट्टी के साथ थोड़ा सा फेविकॉल ग्लू मिक्स किया था, और थोड़ा सा पानी मिला के मैंने इस टाइप का एक पेस्ट यहाँ पे बना लिया है, और इसी से मैं इस कार्डबोर्ड बॉक्स को कवर करूँगी। और इसके सरफेस को थोड़ा स्मूथ करने के लिए मैंने इस टाइप का एक पुराना कार्ड ले लिया है, और जहाँ पे वो कार्ड नहीं फिट हो रहा है वहाँ पे मैंने पैलेट नाइफ का यूज़ किया है। वैसे तो वॉल पुट्टी का क्राफ्ट बनाना इजी होता है, लेकिन इसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे मैंने एक साइड में वॉल पुट्टी को अच्छे से लगा लिया था, और जब वो अच्छे से सूख गया तो दूसरे साइड में भी सेम तरीके से ही मैंने वॉल पुट्टी पेस्ट से इसको कवर कर लिया है।
तो पहले मैंने क्या सोचा था कि इसको मैं अच्छे से सूखने दूंगी, उसके बाद इसमें मैं अच्छे से सैंडिंग करके इसको मैं प्लेन ही रखूंगी। लेकिन बाद में मेरा थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे और थोड़ा सा वॉल पुट्टी पेस्ट को लगाया है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक टेक्सचर क्रिएट करने वाली हूँ। अगर शुरू में ही मैं ये सोच लेती तो ये दोबारा मुझे यहाँ पे पेस्ट लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता, और इसलिए मैंने यहाँ पे एक कोम ले लिया है और इस टाइप से एक टेक्सचर मैंने यहाँ पे बना दिया है। मुझे लगा प्लेन से ज़्यादा इस टाइप से अगर टेक्सचर बना देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे तो यहाँ पे किसी भी टाइप का टेक्सचर बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे जो सबसे इजी लगा मैंने उसी का यूज़ किया है, और जहाँ पे कोम फिट नहीं हो रहा है वहाँ पे मैंने एक फॉर्क का यूज़ किया है। तो आप घर में जो भी अवेलेबल है चीज़ उसी से टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं बहुत ईजीली। और अभी इसको अच्छे से सुखा लेना है, और सूखने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सैंडिंग कर ली हूँ, और सैंडिंग करने के बाद इसको कर लेंगे फटाफट से पेंट, और हो गया ये भी DIY रेडी। पेंट करने के लिए यहाँ पे मैंने टेराकोटा कलर के साथ थोड़ा सा व्हाइट मिक्स करके ये लाइट पीच जैसा कलर मैंने बना लिया है। कलर आप यहाँ पे कोई भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। वर्निश अभी मैं यहाँ पे नहीं लगाई हूँ, ये मैं बाद में लगाऊंगी, और ये रहा इसका फाइनल लुक। ये DIY भी आपको कैसा लगा है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लास्ट DIY को बनाने के लिए मैंने इस टाइप का एक बॉटल लिया है। अगर इस DIY को आप रिक्रिएट करेंगे तो आपको बॉटल कुछ इस टाइप का लेना पड़ेगा, जहाँ पे कुछ कार्विंग वगैरह ना हो। और इसके कैप को मैंने कट करके निकाल लिया है, और अभी इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ न्यूज़पेपर। लेकिन यहाँ पे न्यूज़पेपर को लगाते हुए मेरे ध्यान में आया, न्यूज़पेपर की जगह पे मैं मास्किंग टेप का भी यूज़ कर सकती थी, ऐसा करने से मेरा काम थोड़ा सा ईजी हो जाता। यहाँ पे न्यूज़पेपर या मास्किंग टेप क्यों लगाना ज़रूरी है ये मैं आगे आपको बताऊँगी। पहले इस न्यूज़पेपर को अच्छे से सूखने के लिए रखना है, और बाय दैट टाइम मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर से ही कुछ स्ट्रिंग जैसा बना लूँगी। तो इस टाइप से टिश्यू पेपर को भिगो लेना है, और इसको इस टाइप से घुमाते हुए एक रोप जैसा शेप दे देना है। और इस टाइप से मैंने काफ़ी सारा स्ट्रिंग्स बना लिया है, और अभी फेविकॉल ग्लू की मदद से इन टिश्यू पेपर स्ट्रिंग्स को इस बॉटल के ऊपर मैं चिपकाती जाऊंगी। न्यूज़पेपर या मास्किंग टेप लगाना ज़रूरी है ऐसा मैंने इसीलिए बोला था, क्योंकि पेपर पहले लगा लेने से फेविकॉल ग्लू के साथ टिश्यू पेपर को इस टाइप से चिपकाने में बहुत ईजी हो जाता है। और अभी इन टिश्यू पेपर स्ट्रिंग से इस बॉटल को कवर कर लेना है, और जब इसको लगा रहे हैं एकदम सटा के लगाना है। पूरा प्रोसेस यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा क्लिप लगा लिया था सो दैट ये अच्छे से सूख पाए, और यहाँ पे मैंने कुछ टिश्यू पेपर स्ट्रिंग्स को कट करके भी लगाया है। और अभी इसको अच्छे से सूखने के लिए रख देना है, और सूखने के बाद इसके ऊपर जो अनइवन पोर्शन है उसको मैं कट करके निकाल दे रही हूँ, और इस पोर्शन को हाइड करने के लिए यहाँ पर भी एक टिश्यू पेपर का स्ट्रिंग लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश किया है सो दैट मैं एकदम ऑनलाइन जो वाज देखा था उसके जैसा ही लुक क्रिएट कर पाऊँ। ये जब अच्छे से एक बार सूख जाएगा तो इसको एक नीट लुक देने के लिए इसके ऊपर मैं टिश्यू पेपर लगाऊंगी, लेकिन टिश्यू पेपर को यहाँ पे मैं कट करके नहीं लगाने वाली हूँ, एक पूरा टिश्यू पेपर से ही इसको मैं कवर कर दूंगी जैसे वीडियो में मैं दिखा रही हूँ वैसे। और ऐसा करने से क्या होगा ना, इसका लुक बहुत ही नीट हो जाएगा। आज के इन DIY में से अगर किसी को आप रिक्रिएट करते हैं तो उसका पिक मेरे साथ आप जरूर से शेयर कीजिएगा। उसका पिक टैग कर सकते हैं मुझे मेरे इंस्टा हैंडल में, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा मेरा इंस्टा हैंडल। इन तीनों DIY में से आपका फेवरेट कौन सा है ये भी मुझे आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और आपको किस टाइप का वीडियोस देखना पसंद है वो भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और ये अच्छे से सूख जाने के बाद इसके ऊपर मैंने एक्रिलिक पेंट से पेंट कर लिया है। यहाँ पे मैंने ऑफ वाइट कलर से इसको पेंट किया है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कलर कॉम्बिनेशन टोटली आपके ऊपर है। और अभी देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। आई होप आज का वीडियो का तीनों DIY आइडियाज़ आपको अच्छा लगा है, तो एक लाइक भी ज़रूर से करके जाइएगा, और कमेंट सेक्शन में भी आपका फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। आज के लिए इतना ही था, मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक खुश रहिए, अपने घर को सजाते रहिए, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।